हेलो डी स्टूडेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज और आज की जो वीडियो है इसमें डिस्कस करेंगे हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर फोर क्लास एट्थ ठीक है तो आपका जो पेपर है इंग्लिश का उसको जाने देने से पहले ये एक बार ज़रूर देख के जाइएगा इसमें फोर सेक्शंस आपके दिए गए हैं रीडिंग सेक्शन टेन मार्क्स का है राइटिंग फिफ्टीन का है ग्रामर टेन मार्क्स का है एंड लिटरेचर जो है वो भी आपका फिफ्टीन मार्क्स का है उसके बाद आपको रीडिंग सेक्शन दिया गया है रीडिंग सेक्शन में आपको टेन मार्क्स के क्वेश्चन जो है टेन मार्क्स का आपका यहाँ पे रीडिंग सेक्शन दिया गया है ठीक है इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है तो सार्स इज द लार्जेस्ट बर्ड फाउंड इन इंडिया इसको आप बहुत ही अच्छे से एक बार जरूर पढ़िएगा यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है हाउ डज द साराउस मूव विद द यंग वंस कैसे मूव कर रहा है तो यहाँ से आप कर लेंगे सार्स यूजली मूव अबाउट वेन दे आर विद द यंग वंस दे मे वी सीन इन ग्रुप्स और थ्री टू फोर ठीक है तो इस तरह से वो क्या करते थे मूव करते थे वाई वाज अज द बिगेस्ट फ्लाइंग बर्ड सो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं ठीक है इट अटेन्स फ्लाइट बाय स्लो रिदमिक रिदमिकल विंग स्ट्रॉग्स नेक आउट स्ट्रेच इन फ्रंट लेग टेलिंग स्विफ्टर देन इट अपेयर इट सेल्डम हाई अप इन द एयर ठीक है तो इस तरह से ये क्या है ये जो है वर्ल्ड टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये वाला आंसर आप इसमें लिख सकते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल सॉर्स तो इसमें आप लिख सकते हो द मेल एंड फीमेल सॉर्स आर अलाइक उसके बाद देखिए द सॉर्स डज नॉट हैव डैश ऑन इट्स हेड बट डज हैव विंग्स ठीक है बट डज हैव विंग्स तो उसके ऊपर क्या नहीं होते फैदरलेस होता है ना हेड तो यहाँ पे आप लिख देंगे द सॉर्स डज नॉट हैव फैदर्स इसमें आपका आ जाएगा फैदर्स उसके बाद हाउ कैन यू से दैट सॉर्स इज अ कलरफुल बर्ड कैसे कह सकते हो कि सॉर्स जो है वो एक कलरफुल बर्ड है तो इसमें आप कुछ यहाँ से लिख सकती हैं दैट द लेग्स आर पिंक हैंड द बीक इज कलर स्लाइटली विद ग्रीन द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ग्रे ठीक है द अपर पोर्शन ऑफ द नेक इज़ रेड तो ये दो तीन लाइन आप लिख देंगे तो इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट इज अवाइज सॉर्स किल्ड कि क्यों नहीं उसको मारना चाहिए तो सॉर्स इज वन ऑफ फ्यू बर्ड इन इंडिया विच ट्रेडिशन डज नॉट अलाउ टू बी किल्ड तो ये वाला आंसर आप इसमें लिख देंगे क्लियर तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है लुक एट पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो तो ये सेकेंड आपको दिया गया है यहाँ पे पोस्टर दिया गया है क्लियर uh, और इनके जो आंसर्स हैं वो आपको यहाँ पर uh, करना है तो yeah. so, यहाँ से आपको जो दिया गया है यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स यूजली बिकम एनशियस एंड डैश ड्यूरिंग एग्जाम ठीक है तो एनशियसू स्टूडेंट यूजली बिकम एनशियस एंड स्ट्रेस्ड स्ट्रेस आप लिख सकते हो स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम हाउ स्टूडेंट स्टडी थ्रू आउट द ईयर तो कैसे उनको स्टडी करना चाहिए दे शुड स्टडी रेगुलरली क्या चाहेगा स्टडी रेगुलरली फाइंड द वर्ड फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज़ द अपोजिट ऑफ फेलियर फेलियर का ऑपोजिट क्या होगा फेलियर का ऑपोजिट रहेगा सक्सेस क्लियर तो यहाँ से आप लिख देंगे उसके बाद देखिए सेक्शन भी है राइटिंग सेक्शन दिया गया है टेन मार्क्स का राइटर लेटर टू योअर यंगर सिस्टर एनक्रेजिंग हर टू वर्क हार्ड फॉर द अपकमिंग एग्जाम तो आपको एक लेटर जो है लिखना है यंगर सिस्टर को उसको इनक्रेज करना है कि एग्जाम जो आने वाले हैं उनको किस तरह से जो है अच्छे तरीके से करना है ठीक है तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट देखिए अगला आपको दिया गया है और में यू आर योगिता योगेश ऑफ स्टूडेंट क्लास एट ऑफ भारतीय ज्ञानपीठ यूमिस्ट यूनिट टेस्ट एंड राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल प्रिंसिपल को लेटर लिखना है टू अलाव यू टू री अपेयर फॉर द सेम गिविंग रीजन फॉर योर एबसेंस ये करना है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर दिया गया है राइट ए पैराग्राफ ऑन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है माई फेवरेट फेस्टिवल या रिपब्लिक डे पर आपको लिखना है सेक्शन सी दिया गया है बच्चों की ग्रामर पोर्शन इसमें है क्वेश्चन फिफ्थ फिल इन द ब्लैक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन द कार जम्पड द सॉरी कैट जम्प कहाँ पे जम्प किया इन और इनटू दिया गया है तो द कैट जम्प इनटू द वॉल ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इनटू द वेल आएगा इसमें द लैंड वाज डिवाइडेड डैश द टू ब्रदर्स अब टू दिया गया है तो इसमें बिटवीन आ जाएगा दो से ज्यादा होंगे तो अमंग आ जाता है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव द पिकनिक इज गोइंग टू द हेल्ड टू द पिकनिक इज गोइंग टू बी हेल्ड तो इसमें क्या आ जाएगा आपका द पिकनिक इज गोइंग टू देल्ड एट ए सैटरडे द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ठीक है फिल इन द्लेंस विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्व तो इट रेन सिंस मॉर्निंग इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग हैज बीन रेनिंग ही पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स तो ये इसमें आ जाएगा उसके बाद प्रेफिक्स और सफिक्स लगाना है तो इट एज पोलाइटली इसमें आ जाएगा आपका पोलाइटली टू चू फूड विद योर माउथ ओपन दीप वॉट की करेक्ट प्रिफिक्स और सोफिक्स टू कम्पलीट देंटेंस तो इसमें देखिए इसमें इट इज यहाँ पे इन नहीं आएगा यहाँ पे इम होना चाहिए तो इम्पोलाइट आएगा फिर इट इज इम्पोलाइट टू चू फ्यूड विद योर माउथ ओपन ठीक है इम्पोलाइट आना चाहिए एंड द टोट वाइज कीप वॉकिंग स्ट्रेडिली इसमें क्या आ जाएगा इसमें सफिक्स लग जाएगा स्ट्रेडली प्रिफिक्स होता है बच्चों जो आगे लगता है सफिक्स होता है जो मेन रूट वर्ड के पीछे लगता है तो इसमें स्ट्रेडिली आ जाएगा इसमें एम्पोलाइट आ जाएगा उसके बाद आपको ये मीनिंगफुल सेंटेंस में रिअरेंज करना है तो इसमें भी यहाँ पर मे की जगह वी आना चाहिए सो वी मस्ट हैव अ स्माइलिंग फेस इन द मॉर्निंग इसका ये हो जाएगा एंड इसमें हो जाएगा वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड ठीक है तो ये आ जाएगा वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन दिया गया है आपका फिफ्टीन मार्क्स का इसमें रीड द एक्सट्रैक्ट इवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो तो ये जो है आपका जो फॉन वाला चैप्टर है वहाँ से दिया गया है वाई वाज द डू केल्ड क्यों उसको मारा गया था क्लियर तो जो दवाई बनाने के लिए उसको मारा गया था उसके फादर के लिए तो वो सारा इसमें आपको लिख देना है उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन दिया गया है बच्चों तो आप इसको जरूर कर लेंगे एक बार इलेवन क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर एक पैराग्राफी दिया गया है स्टेंचा एंड ये आपको यहाँ पर करना है क्लियर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं एंड यू हैव टू गिव आंसर एनी ऑफ थ्री आ, और इनमें जो है आप एक बार इनके क्वेश्चन जरूर कीजिएगा ये भी आपके इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन आपको दिया गया है राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ बैपिन बाबू एंड वाई डिड जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फॉन होम ठीक है कि उसको घर पे क्यों लाया गया था तो ये दिया गया है अच्छा इसमें ये हो सकता है क्योंकि वो जो एनुअल पेपर है ना वो आया नहीं है अगर हम एड्यूडल की बात करते हैं तो जो अब की बार है मिड टर्म का तो आया था लेकिन एनुअल नहीं आया अब इसमें क्या है कि जो ये सैम्पल पेपर है हो सकता है कि जो आपका सिलेबस है आपकी बार जो डिपार्टमेंट है उन्होंने सिलेबस में कुछ चेंजेस किए थे तो हो सकता है कुछ एक क्वेश्चन इसमें आपका जो सिलेबस है उसमें से ना भी हो तो आप उसको छोड़ सकते हो बाकी जो भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन को ज़रूर जो है करके जाइएगा ठीक है तो ये थी बच्चों आपके इंग्लिश के जो है सैम्पल पेपर ओनली फॉर प्रैक्टिस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो so, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर बाय